पीडीसी मीडिया एंड टेक, किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के पड़ोस के अंदर आया हूं। आज जिस एजेंसी पर मैं पहुंचा हूं, मैसी की एजेंसी पर पहुंचा हूं, और आज हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं जो कि अपने ट्रैक्टर की हाल ही में सर्विस के लिए आए हुए थे। तो आज इनसे जान लेते हैं ट्रैक्टर के बारे में कि ट्रैक्टर इन्होंने कब खरीदा, किस कीमत के अंदर खरीदा था, और क्या कुछ इस ट्रैक्टर के साथ में एक्सपीरियंस रहा है इनका, सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको सामने से दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार उन्हें अपना परिचय दीजिए, अपना नाम पता वगैरह बताइए। मैं ओमदत्त यादव, गांव गोना खेखड़ा ब्लॉक से बिलोंग करता हूं जी। और मैं अवार्डी फार्मर हूं। मुझे भारत सरकार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने गुजरात में, मतलब 2020 में जनवरी में पुरस्कृत किया हुआ है खेती में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। तो मेरे पास एक ट्रैक्टर पहले से है, पावर ट्रैक, और मैंने ये जनवरी में लिया है अभी ट्रैक्टर, और चूँकि 21 में ख़रीदा है, और मुझे चूँकि काफ़ी उम्र है तो मुझे और ट्रैक्टरों में इतना मतलब अच्छा नहीं लगा जितना इस ट्रैक्टर को चलाने में मुझे आनंद आता है जी जी। और जितना ये अच्छा काम करता है, सॉफ्ट चलता है, सड़क पर चलाने में बड़ा आराम मिलता है। और कि इसके पहले आप पावर ट्रैक चला रहे थे, तो पावर ट्रैक के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडल आते हैं। मैसी का विचार आपका कहाँ से बना, कहीं पर इसको चलता हुआ देखा था या कैसे विचार? मैसी में मेरा आलू का काम है, मैं आलू लगाता हूँ जी। तो आलू में जुताई के लिए और आलू उखाड़ने के लिए इसकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट कंट्रोल है, जिसके लिए मैसी फर्गुसन फेमस है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक वो था कि मैं कभी मैसी लेऊं। और मेरा इस तरह का मतलब मुझे आलू में इनकम हुई तो मैंने ये मैसी लिया। और अभी आलू उखाड़ने वाली जो मशीन है उसे चलाने में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छी चलती है वो, और इसकी तेल का भी खपत काफ़ी कम है। पावर ट्रैक से मैं आलू खोदता था तो आलू काफ़ी कटते थे और उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता था, इसमें खर्चा भी कम आता है और बहुत अच्छा चलता है उसमें, और सड़क पर चलने में भी बड़ा इसमें आराम मिलता है और ट्रैक्टर की अपेक्षा। जैसे तो कि आप इसके पहले पावर ट्रैक चला रहे थे, तो पावर ट्रैक के अलावा जैसे कि आप इसके ऊपर शिफ्ट हुए, मैसी के ऊपर शिफ्ट हुए, तो आपने कुछ इससे खरीदने से पहले इसको एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरा ट्रैक्टर इस तरीके से काम करेगा या ऐसी लिफ्ट होगी, तो क्या अपनी उम्मीदों पर आपकी ये खरा उतरा ट्रैक्टर? बिल्कुल खरा उतरा। मैं इससे टीलर चलाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बहुत अच्छा टीलर चलाता है ये टीलर। इससे टीलर और आलू उखाड़ने की मशीन, डीगर बोलते हैं जिसको, पोटैटो डीगर सबसे अच्छा चलाता है। कारण क्या है कि मान लिया कहीं सख्त ज़मीन आ गई तो ये अपने तरीके से चलाता है, ये नहीं कि स्लिप मारेगा और फंस जाएगा और वो सब। तो आलू को चूँकि ऐसा ही चाहिए लिफ्ट, हाँ लिफ्ट सेंस कर लेता है। और टीलर में भी आप जहाँ चाहे वहाँ चलाएं, ट्रैक्टर लोड नहीं मानता और बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छा एवरेज है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है जब से जी जी जी। तो मैं तो इसी ट्रैक्टर को अब चलाता हूँ, उसको खड़ा किया हुआ है जी, उसको कम चलाता जी, उसको कम चलाता हूँ। एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे कि आप टीलर के बारे में आपने बताया, टीलर भी चलाते हैं, क्या रोटावेटर भी चलाया आपने इसके ऊपर? जी अभी तक मैंने रोटावेटर नहीं चलाया, लेकिन मैं अभी रोटावेटर लेऊंगा, अभी शायद आज ही टोकन निकल रहे हैं 3 बजे के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे छूट से टीलर मिल जाए तो मैं लेऊं और उसे चलाऊंगा, 7 फुटा रोटावेटर जो है। जैसे कि आप पोटैटो डिगर बता रहे थे और टीलर बता रहे थे, उसके ऊपर लगभग क्या डीजल खपत करता है, ये घंटे के हिसाब से या फिर बीघे के हिसाब से हम बात कर लें? ये पूरा तो मैंने इसमें नहीं निकाला, लेकिन और ट्रैक्टर से कम खाता है, कम खाता है। जैसे कि आप अगर हम तुलना कर लें पावर ट्रैक से, तो उसकी तुलना में कम लगा आपको डीजल? उसकी तुलना में कम खाता है, कारण कि वो अननेसेसरी स्लिपिंग भी करता है, अननेसेसरी जोर भी लगाता है। ये जिसको इसको जैसा जहाँ जोर होता है वैसा चलता है जी जी, यानी कि जहाँ पावर की ज़रूरत है वहाँ पावर लगाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बिल्कुल सटीक चलता है जी। कुल मिला के मेरी लाइफ में, मेरी उम्र अब 58-59 साल है जी। तो मैंने ये बहुत दिन से सपना देखा था कि एक बार मैं मैसी भी चलाऊँ जी, जी। बहुत जी। सारे ट्रैक्टर मैंने चलाए, फार्म ट्रैक 60 भी चलाया और भी चलाए, महिंद्रा चलाया, लेकिन मेरी बहुत दिन से ये अभिलाषा थी, चाहत थी कि एक बार मैं मैसी, अब खेती कर रहा हूँ तो मैसी चलाऊँ, तो मेरी वो पूरी हो गई और मैं इसे चला रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है जी। और एक सवाल और है मेरा आपसे, बीच में रोकूंगा, अगर इसकी कीमत की बात कर लें तो लगभग किस कीमत के अंदर आपने इसको ऑन रोड खरीदा था? देखिए मैंने पूरे हरियाणा में, यूपी में बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन मुझे यहाँ सबसे सस्ता लगा और मैंने जैन साहब से ट्रैक्टर लिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जो पहले भी मैंने बहुत ट्रैक्टर खरीदे हैं वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि जी अब नंबर के पैसे अलग लगेंगे, इंश्योरेंस के ये लगेंगे, वो जो इन्होंने तय किया वही मुझे दिया सारी चीज़ें उसके अंदर। और सबसे बड़ा मुझे ये अच्छा लगा कि ये आदत से बहुत ही अच्छे हैं। मैं जैसे कि मैं बताऊं, एक दिन मैं मंडी जा रहा था तो सवेरे मॉर्निंग में 3 बजे मेरे ट्रैक्टर को कोई दिक्कत आ गई, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो जैन साहब को मैंने 3 बजे इन्हें भी फ़ोन किया कि मैं एक बार देख लूं, तो 3 बजे इन्होंने मॉर्निंग में फ़ोन उठाया और मेरी जो दिक्कत थी मुझे बताया कि आप ऐसे कर लो,
और ऐसे दिक्कत दूर हो जाएगी। और मैं कभी भी फ़ोन करता हूँ कि सर ये दिक्कत है, तो ये बिल्कुल फ़ोन पर तुरंत बताते हैं। और बहुत अच्छा, मुझे सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के डीलर आजकल नहीं मिलते। एक बार ट्रैक्टर बेच के फिर वो भूल जाते हैं मतलब, लेकिन ये अपने हर किसान को जो इनसे ट्रैक्टर लेता है उसको अपना परिवार का सदस्य जैसा मानते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कम से कम। अब अगर इसकी सर्विसिंग की बात हम कर ले, जैसे कि आप सर्विस के लिए आए हुए हैं, तो सर्विस कैसी है इनकी? सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, जेन्युइन सामान लगाते हैं, जेन्युइन तेल लगाते हैं, जेन्युइन पैसे लेते हैं और सही तरीके से सर्विस करते हैं। जी, पूरी तरीके से ट्रैक्टर से संतुष्ट हैं? जी, जैसे कि मेरा ट्रैक्टर आलू खुदाई में मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने इन्हें फ़ोन किया जी आपका टाइम हो गया सर्विस का, तो आप यहीं करा दो। तो वहीं पर शाम के टाइम इनका मिस्त्री गया और खेत में ही सर्विस करके आया। आपकी सर्विस जो है करते जी। और एक चीज़ बताइए, एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे, मैसी खरीदने का विचार करे, तो क्या वो मैसी के 241 की तरफ जा सकता है आपके मुताबिक? जी, जैसे बड़े ट्रैक्टरों में और छोटों में सबसे अच्छा ट्रैक्टर है ये, ना ये ज़्यादा छोटा है ना ये ज़्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इसमें पावर ब्रेक आ गया है, पावर स्टीयरिंग आ गया है, तो हर आदमी अब आराम महसूस करता है, आराम चाहता है, तो जो जो इसमें हमें मिलता है। और एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि आप पावर ट्रैक चला रहे थे, वो पावर स्टीयरिंग था या सिंपल स्टीयरिंग? वो सिंपल था। सिंपल था। तो एक चीज़ बताइए, जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों का मिथ है कि पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर में दिक्कत आती है या पाइप की कोई दिक्कत है, इस तरीके की कोई दिक्कत, तो वो आप जो है किसान भाइयों को बताइए, ऐसी कोई दिक्कत आज तक आपको पावर स्टीयरिंग के अंदर लगी? मुझे तो आज तक दिक्कत नहीं आई, लेकिन आप एक बात समझिए, कार लोग 20-20 साल चलाते हैं। जी जी, जब कार में नहीं दिक्कत आती तो इसमें क्यों आएगी? सेम सिस्टम इसमें भी है। जी जी, ये तो हमारा सोचना है फिजूल के, इसमें मिथ है वो किसानों के अंदर बना हुआ। ऐसा नहीं है, पावर स्टीयरिंग बहुत आराम मिलता है और पावर ब्रेक का तो और भी अच्छा आराम मिलता है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हमारे साथ में जागरूक किसान भाई जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी, ट्रैक्टर के बारे में बताया कि ट्रैक्टर उन्होंने कब खरीदा था, किस कीमत के अंदर खरीदा था, साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताया आपको कि इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे, मैसी लेने का विचार कैसे बना। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।